Hey guys, what's up and welcome back to my YouTube channel. So friends, आज सान्डे आज फ्री डे तो आज बंध आने भाविल कि अकान राइड करूँ तो बर्तमान मोर आसे इधर एक क्रिस तो हम लोग राइड करने वाले हैं. अभी कहाँ जाएंगे हम लोग? अभी हम लोग जाएंगे होलोंगी. तो अभी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 8 किलोमीटर से, तो होलोंगी तक जाएंगे तो दिखाएंगे. फिलहाल हम लोग है सिंपू ना, सिंपू. हाँ, सिंपू में है, ईटानगर सिटी का सिंपू एरिया है. तो ये देख सकते हो आप लोग कितना सुंदर नज़ारा है. तो इधर से पहाड़ के बीच से आप लोगों को मतलब थोड़ा दिखाएंगे, थोड़ा अच्छा सा व्यू दिखाएंगे. तो इतना बर्तमान अभी जब ऊल्सूँ इतना टाइम हो 4 बजे से, तो रास्तार व्यू आप लोग देखा देखा गई थी. तो बोला मोर इतना यार स्टार्ट करूँ तो इफाले जाने सो स्टार्ट करें, लेट्स गो. ब्लू स्काई, कितना सुंदर लग रहा है यार, और मज़ा आ गया. बर्तमान आम आसो होलोंगी रास्त और यार होलोंगी बेसि दूर नए 8 किलोमीटर मान हम और होलोंगी मानने इन आसाम बॉर्डर. तो यार 8 किलोमीटर मान दूर आसे आसाम बॉर्डर. तो गई आसो तो आसाम बॉर्डर लगे जाने ना जाओ कब नो बट रास्ता तो देखा आसो भ्यूबी अपना सुंदर के. सो गाइज फाइनली पाल धुनिया लोकेशन और लोकेशन तो मोर बेकग्राउंड चुना तो चुना ये माटी सब खुही उसे लेंस लाइट हुई निकी ये बरखुण दूते इनक खुही धुनिया लगा तो व्यू और इफाले पहाड़ चाहिए अपना धुनिया माटिर पहाड़ और रास्ता तो व्यू मुझे बहुत भल लगे और इफाले कहुआ बनबी धुनिया के इनके क्रिस तो चुना. तो गाइस के लगी आसे और आगल के जाम और देखा देखा गई थी अपना धुनिया धुनिया भ्यूबी तो इतना और आगल गई आसो सो बोला. और पाल चुना पहाड़ कि मजा लगे धुनिया पहाड़ और ये मानुबी रही रो गाड़ी रही रही तो धुनिया फोटो क्लिक कर भाविल आम भाविल कि ये धुनिया के फोटो क्लिक करूँ सकते फोटो क्लिक कर सो इतना आम फोटो क्लिक करम इफाले क्रिस आसे सो के लगे आज कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया लग रहा है. हम भी बहुत ही एक साल हो गया होगा यहाँ आने आने वाला पर बहुत एक साल का बाद अभी घूम के थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो रहा है प्लस राइड करने के लिए भी अच्छा लग रहा है. लेकिन बैकग्राउंड देखिए कितना अच्छा आ रहा है बैकग्राउंड. तो अभी हम लोग भी फोटो खींचेंगे यहाँ पे. सो गाइस बहुत फोटो उठी आसो और अकल के जाऊँ इफाले तो इतना अकान आगल गई पे थोड़ा सा और व्यू देखते और फोटो खींच लेते चलो. अंधार हो गल बर्तमान पाल नदी ऊर एन नदी ऊर गलो चुना नदी दो नहुत बम है इसलिए देखिए अपना बालीबी देखिए आज बहुत बम है चुना भल देखी ना कब पर ना अंधार हो देखिए तथा फुटेज तो इन भल लगा ना भाषा कि सोकाले बट आहते आहते अंधार हो गल और इलंगी बेसि दूर नह 2 किलोमीटर मान हम और सके इफाले आगत तो चुना
सो गाइज बर्तमान मैं आसो हलंगी बॉर्डर और ये अपना मन आसने यार कोविड 19 टेस्ट कर पे पजिटिव लै गई और बर्तमान आसो आम तक तो ये क्रिस आसे दुकान गई से तो दुकान जा एक्चुअली कोका कोला थम्स अप कुछ भी पीने का मन नहीं था तो थोड़ा सा मीठा खाने का मन कर रहा था बंद है ना वो इसलिए फ्रूटी ले लिया और उधर वो कोका कोला ले लिया सो फ्रूटी तामुल तामुल खा लो लो एतिया जा बोल ऐसो बोलने के लिए तो नहीं अभी जस्ट यहाँ से हलंगी से ईटानगर तक अभी 18 किलोमीटर है बोला अभी वहाँ जाना है हम लोग को पता ही नहीं था कि हम लोग सोच रहे थे कि 8 किलोमीटर होगा किलोमीटर तो बहुत ही ज़्यादा हो गया भी तो अभी अंधेरा हो गया तो जल्दी जल्दी चलते हैं अभी जाते हैं डायरेक्ट ईटानगर तो चलो सो गाइस बर्तमान आसो आम गंगा मार्केट बर्तमान गंगा मार्केट आ पालू और इफेले चाहिए इफेले जिलेपी और इफेले फुचकार दुकान सो गाइस अभी हम लोग फुचका ट्राई करने वाले हैं मतलब चैलेंज है तो क्रिस और हम दोनों का चैलेंज कौन ज़्यादा खा सकते हैं तो बहुत दिन बाद खा रहा हूँ तो देखिए देख सकते हो यम्मी यार पूरा मेरा मुंह से पानी पानी निकल रहा है कितना एवरेज कितना आ सकता है जैसे मतलब 10 15 कितना एवरेज मेरा 10 ही है और भी पूरा कोशिश करते हैं ठीक है देखते हैं कौन कितना खा सकते हैं भाई आपका नाम क्या है रहीम अली रहीम अली कहाँ से हो हरबिटिया का हरबिटिया क्या आसाम अहमिया जाने न कि बस हल इतने हाँ कि बस हल इते हल आम 20 बस हल দিয়া আজি খাও আপনার হাতর ফুচকা ন ঠিক সো গাইস ইয়ে লে লিয়া আবি ট্রাই কর রে আবি স্টার্ট কর দিয়া ইয়ে এক দেখিয়ে ইটানগর কা পানিপুরি বহুত হি ছোটা হে এক দো ইয়া দো और तीखा मांस है तीन बस फाइनली मैं जीत गया मेरा 14 मेरा अभी हो गया 12 हो गया मैं 14 तो मैं जीत गया यस अपना फुचका दुकान एड्रेस तो कह दियो जीवन चाय से कह दियो गंगा इनमार गंगा इनमार इनमार न गंगा मार्केट ऊरते न हाँ हाँ ठीक है जी अपने विचार तेहले पे और फुचका खा पड़े तो खूब भल लगे खूब टेस्टी बनाए दादा तो एबार सो गाइस आज भिडियो चाय के लगे कमेंट को जानव नपहर तो प्लीज़ क्या बोलेगा लास्ट टाइम बोल दीजिए एक बार प्लीज़ वीडियो का आप लोग लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए क्योंकि जितना शेयर करेंगे उतना थोड़ा हम लोगों को मतलब मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने के लिए ठीक है सो गाइस आज के लिए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं नेक्स्ट वीडियो और कहीं और दूसरा जगह पर मुलाकात होगा तो आज के लिए बाय बाय बाय